बड़े बोले थे कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी तो है खा रहे हैं सब लोग का, अनाज बिक रहा है, हमारा कपड़ा का तो स्थिति ऐसी चौपट हो गई है जो अब हम लोग खुद रोने पर आ गए। आपका क्या नाम हुआ? बता दो। आसिया। पढ़ती हो किसी क्लास में? पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? पढ़ते हो? कभी स्कूल से आ रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटी ट्रेवल्स। आज मैं आपको भागलपुर का सिल्क जहां प्रोडक्शन होता है उस जगह लेके जा रहा हूं। भागलपुर नोन एज ए सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो मतलब वो जो प्लेस का नाम मेनली मतलब वो चंपा नगर नाथ नगर मेनली वो आपको चंपा नगर में ही प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा। और भी जगह होता था तैतारपुर हुसैनाबाद ये सब में, तो अभी बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो गया है। तो चलिए आपको उधर लेके जाता हूँ, रास्ता में जो जो आता मैं दिखाऊंगा। और वो चंपा नगर पहुँच के आपको मैं बताता हूँ वो सिल्क किस तरह से प्रोडक्शन होता है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। और यदि परमिशन मिलता है तो मैं फैक्ट्री भी विजिट करूँगा और उन लोगों का जो समस्या है प्रॉब्लम है मैं भी उसे एड्रेस करने का कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ इंटरव्यू लिया जाए और वो लोग अपनी जो प्रॉब्लम है समस्या वो लोग खुद बताने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी मतलब उससे रिलेटेड आसपास के मार्केट रास्ता में जो जो आता है मैं वो भी कवर करूँगा। मैं बाइक से जाने वाला हूँ, सो मेरे भैया जो हैं बबलू भैया उनके साथ मैं जा रहा हूँ, तो बबलू भैया मुझे बाइक में लेके जाएंगे। तो बाइक से ऑन द वे जो मुझे मिलेगा मैं वो भी शूट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं चंपा नगर सिल्क सिटी, भागलपुर नोन एज ए सिल्क सिटी। वो चंपा नगर नाथ नगर एक प्लेस का नेम है जहाँ मेनली ये प्रोडक्शन होता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, आई विल कवर एवरीथिंग, प्रोडक्शन धागे किस तरह बनता है, कपड़ा किस तरह बनता है, रंग किस तरह होता है। तो यदि चांस मिलता है तो मैं सारा ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करूँगा। चलिए चलता हूँ चंपा नगर और दिखाता हूँ सिल्क प्रोडक्शन। अभी नाथ नगर जा रहे हैं आप, उसे नाथ नगर चंपा नगर जो बोल सकते हैं वो सिल्क सिटी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, रास्ते में जो जो आता है वो भी बताऊँगा और उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उन लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन कैसे होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड मैं आपको सारा मैं दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको नाथ नगर जा रहे हैं, ये आपको मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है, ये मेरे लेफ्ट साइड में आप बोर्ड देख सकते हैं, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है, ये तो बहुत ही पुराना स्कूल है और ये तैतारपुर एरिया में ही आता है। तैतारपुर मतलब एरिया का नाम है, मतलब लोकेलिटी का नाम, जो भी नाम मैं बता रहा हूँ वो एरिया लोकेलिटी का नाम है। तो जैसे मैंने बताया आपको नाथ नगर जाना है, बाइक में जा रहे हैं भैया के साथ। इधर भी एक मॉल है, भागलपुर सिटी में आपको हर जगह मॉल नज़र आ जाए, हर लोकेलिटी में एक दो मॉल नज़र आ जाता है। कॉलेज हो गया मेरे राइट साइड में, आपको लेफ्ट साइड में स्कूल था, ये राइट साइड में कॉलेज है। भागलपुर बहुत ही पुराना सिटी है, ओल्ड सिटी है, तो ये सब एरिया पहले से ही पुराना इधर ही बसा हुआ है। लेकिन इसके बाद का एरिया भी आपको बीच बीच में मार्केट था छोटा छोटा, लेकिन जो रास्ता जो खाली था वो खेत था, वो सब अभी एक्सपेंड हो गया, मतलब घर स्कूल कॉलेज रेसिडेंस हो गया। जैसे कि नाथ नगर चंपा नगर तो पहले से ही, ये क्या या मेरे लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं, ये मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस का आपको ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है कह सकते हैं। या आपको लेफ्ट साइड में मेरा हिंदुस्तान प्रेस, हिंदुस्तान जो मतलब मैगजीन है उसका प्रेस है। और ये आपको राइट साइड में आपको गांधी जी का वो प्रतिष्ठान है, गांधी प्रतिष्ठान। ये TNV कॉलेज का मेन गेट है, ये तेज नारायण बने 1883 में इस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज। थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, फिर आगे जाके आपको
तिलका मांझी भागलपुर प्रेस है, लेकिन इसके अंदर आपको रेशम कॉलेज, मतलब रेशम मतलब सिल्क कॉलेज, मतलब सिल्क का ट्रेनिंग सारा वो ट्रेनिंग ये सब, इस तरह रेशम प्रोडक्शन किया जाए, क्लॉथ बनाया जाए, पालन कैसे किया जाए, उसका एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, तो सारा ये मतलब कॉलेज है तो उसका ट्रेनिंग दिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया, आप ये देख सकते हैं मेरे आगे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, तो मतलब रेशम का कॉलेज ही बोल सकते हैं, लोकल लैंग्वेज हम लोग इसे कॉलेज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हैंडलूम और ये सब सारा रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग अब नाथनगर एरिया में एंट्री हो चुके हैं। भागलपुर नोन एज द सिल्क सिटी, अभी सिल्क का प्रोडक्शन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो लार्ज स्केल में सिल्क प्रोडक्शन होता था उस स्केल में नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि बहुत सारा डिफिकल्टी है, समस्या है और मार्केट का भी इशू है। हम लोग उधर जब पहुंचेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, उन लोग का प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊंगा, दिखाऊंगा प्रोडक्शन किस तरह होता है ये भी दिखाऊंगा। नाथनगर मार्केट आ गए, आप मार्केट देख सकते हो, मतलब ये भी एक बड़ा मार्केट ही है। जो मेन मार्केट तो आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस में 5-7 किलोमीटर है ये। तो ये भी भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, भागलपुर का डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है। ये नाथनगर का मार्केट है, पहले ये रोड बहुत छोटा होता था, मतलब अब इसे एक्सपेंड किया गया, छोटा किया मतलब सिर्फ उसे एक्सपेंड किया गया है, एज इट इज ही है। अभी जहाँ जैसे सिल्क प्रोडक्शन होता है, यहाँ तो आपको घर घर होता है, जो आवाज़ सुन रहे हैं ये सिल्क का ही, हैंडलूम का ही है। तो एक बड़ी मस्जिद है, तो एक को जानता हूँ, वो मिले थे, तो बड़ी मस्जिद के पास जा रहा हूँ। मतलब ये जो एरिया आपका सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपको घर नज़र आ रहा है ये बहुत साइड यू कैन फाइंड प्रोडक्शन ही होता है। चलिए बड़ी मस्जिद के पास पहुँच गए। की हाल है, ओ की हाल है, पैसे गए हैं मतलब हां की हाल है, आवे से रुका, इनसे मिलते हैं। ये और वो आसाद आइए सर, द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट मीन मॉक्स मस्जिद है ये चंपानगर का, भारत में सबसे बड़ा है ये। तो ये हाजी साहब है, तो ये आज अब सारा ये आपको सिल्क से रिलेटेड सारा दिखाने वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ? आसिया। पढ़ती हो किस क्लास में? पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? पढ़ते हो, कभी स्कूल से आ रहे हो? चल ये है, अच्छा मेरा घर यही होगा। ओके आइए सर, इस तरह से काम होता रहता है। ये मेरे बड़े भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे बड़े भाई हैं अहमद हुसैन। अच्छा बैठिए 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 सर बैठिए, आपका मुलाकात कराता हूँ। अब बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अहमद हुसैन है और हम जो है बुनकर हैं, अपना कपड़ा तैयार करते हैं, बस भागलपुर ही में सप्लाई करते हैं। मतलब खुद ही मतलब कपड़ा बनाते हैं, आपका फैक्ट्री है? हाँ, धागा परचेज करके कपड़ा तैयार करते हैं। मतलब हैंडलूम में आप? हाँ, हैंडलूम में कपड़ा तैयार होता है। अच्छा, फिनिशिंग और ये सब सारा इधर ही? सारा सब भागलपुर में ही होता है। अच्छा, प्रिंटिंग और ये सब सारा? प्रिंटिंग में होता है। नहीं मतलब आप मतलब लास्ट में प्रिंटिंग करके फिनिश माल देते हैं, मतलब जो भी मतलब ऑर्डर है तो आप मतलब अभी बेसिकली आप भागलपुर में ही सप्लाई कर रहे हैं? बेसिकली भागलपुर में ही करते हैं। तो बाहर मतलब? बाहर में हम लोग का बहुत दो बार किए थे, लेकिन पार्टी जो है कुछ पार्टी ऐसा लेके बैठ गया, थोड़ा हिम्मत टूट गया, इसी कारण से हम भागलपुर में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अभी तो डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो उससे तो इशू नहीं होना चाहिए, डिलीवरी के साथ साथ पेमेंट भी? नहीं, वो पेमेंट फैब्रिक में पेमेंट नहीं मिलता, वो आपको जो है क्रेडिट पर ही बेचना पड़ेगा हर हाल में। बहुत कोशिश किए हैं कि जो है कैश में ये फैब्रिक बिके, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। फैब्रिक खासकर भागलपुर का कपड़ा तो और भी लेने के लिए तैयार नहीं होता।
तो भागलपुर का जो मतलब ये मतलब भागलपुर का तो सिल्क सिटी बोला जाता है, सिल्क सिटी बोला जाता है, लेकिन का तो आज से जब मैं छोटा था तो 20-25 साल पहले मतलब भागलपुर के सिल्क के बारे में आपको सबको पता है, बोलो जो भी एक बंदा है वो सिल्क का कपड़ा पहनता है या ये घर में बहुत सारा मतलब सिल्क भी बहुत क्वालिटी का आता है, आपको ज़्यादा मालूम होगा। तो जैसे कि आपको कुछ चीज़ को कुशन कवर यूज़ करता है, कोई सोफा में यूज़ करता है, तो बहुत सारा क्वालिटी का है। तो जो भागलपुर का सिल्क आपको जो सिल्क मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता है जैसे तो वो लोग तो सबको पता है भागलपुर का सिल्क वन ऑफ द बेस्ट सिल्क में कौन है। जैसे अभी हम लोग फैब्रिक जो तैयार कर रहे हैं, ये कपड़ा, ये जो कपड़ा है ये फैब्रिक हाफ तसर इसको बोलते हैं, स्टेपल नाम का तसर स्टेपल इस नाम से जाना जाता है। और ये साड़ी है कॉटन सलब साड़ी नाम से जाना जाता है। ये स्थिति इसका ऐसा है कि बड़ी कंपनी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन पहले इसका एक महीने का क्रेडिट दिया करता था, अब कहता कि 2 महीने में हम इसको क्रेडिट लेंगे। पहले 1 महीने था कि 1 महीने में पेमेंट आ जाता था, लेकिन अब 2 महीना लग रहा है इसको पेमेंट आने में। भागलपुर का ही पार्टी लोग जो है अब तैयार नहीं है इस माल को बनाने के लिए, तो मतलब क्रेडिट इशू ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। और सही टाइम पर पेमेंट मिल जाए 2 महीने में भी तो समझ लीजिए तो आदमी सिस्टम से काम कर लेगा, लेकिन बोलता है 2 महीना लेकिन देता है 3 महीना 4 महीने। तो मतलब कि 2 महीना में यदि सपोज कीजिए 1 महीना या 2 महीना जो भी टाइम का ड्यूरेशन है, यदि वो टाइम में वो देता है तो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए 5 लाख 10 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी है, तो वो कर रहे हैं तो आप लोगों को तो है कि चलो भाई 2 महीना में आएगा, क्योंकि आप भी तो कहीं से बोरो करके या अपना सेविंग से या किसी से या लोन ले के कर रहे हैं, यदि वो नहीं आता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बंद हो जाता है लूम, पावर लूम बंद हो जाता है। जब पेमेंट आया तब यार ने परचेज किए, उसके बाद फिर चलाना होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ऑर्डर आता है और आने के साथ ही बिचौली जो यार ने बेचने वाला है वो लोग तुरंत यार ने का दाम हाई कर देता है, और जब हम लोग कॉस्टिंग कर दिए होते हैं उस बीच में जो है यार ने खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जो 100 रुपये का कॉस्टिंग किए हैं वो 150 रुपये में खरीदना पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग का मजदूरी चला जाता है। मतलब पहले मतलब वो बता रहे हैं जैसे जो भी मतलब ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर तो मार्केट में ही आता है, और यदि किसी को ऑर्डर यदि आया तो जो धागा जो यार्न होता है तो धागा जो ये सरकार को अंडर में लेना होगा ये धागा को, तो रेशम का जो धागा सब है जो मार्केट में जो ब्रोकर है बिचौलिया जिसको आप जो सब यूज़ कर सकते हैं, दलाल यूज़ कर सकते हैं, बिचौलिया यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, अब जिसको जो मतलब लैंग्वेज में सूट करता है तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे कोई ऑर्डर आया है वो ऑर्डर लिए सपोज कीजिए 100 रुपया उन्होंने मीटर का मतलब 100 रुपया मतलब एक किसी भी फैब्रिक का 100 रुपया उन्होंने फिक्स किया है, मतलब उसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो 100 रुपया में, जैसे कि वो 100 रुपया में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब वो 5000 मीटर 10000 मीटर कितना होता है डिपेंड ऑन द वो कंपनी कितना ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर के बाद क्या होता है वो लोग तो प्राइस पहले से फिक्स कर देते हैं, कोटेशन दे चुके होते हैं, जब ऑर्डर फाइनल ऑर्डर आता है तो जो भी ब्रोकर बिचौलिया दलाल है जहाँ से जो आपको जो यार्न मतलब वो जो थ्रेड बोलो सूत धागा बोलो, क्योंकि बिना धागा का तो कपड़ा बनेगा नहीं, चाहे वो सूती का हो या रेशम का हो, तो जो रेशम का जो धागा होता है तो वो आप क्या करता है बोलो सपोज कीजिए वो धागे का दाम 200 एज एग्जाम्पल मतलब 100 या 200 मान लो, यदि 100 रुपया है तो वो लोग क्या करता है आपको 50% कभी कभी 30% कभी 80% वो लोग इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है जो मतलब जो रियल मैन्युफैक्चरर है जो हार्ड लेवल करते हैं जो धागा मतलब वो कपड़ा बनाते हैं बना के उसको देते हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं होता, उसका जो कमाई होता है वो जो बिचौलिया जो दलाल होता है क्योंकि वो धागा में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, धागा में ज़्यादा पैसा दे देते हैं, जिनके कारण उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, मतलब वो मेहनत तो करते हैं, सपोज कीजिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में 10000 रुपया या 1 लाख रुपया सेव होना चाहिए तो उतना उनको सेव नहीं हो पाता है क्योंकि वो धागा में चला जाता है, फिर बहुत सारा आदमी प्रोसेस होता है, लेबर कॉस्ट निकालना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट का जो भी आपको जैसे होगी आपको GST है या जो भी इनकम टैक्स है ये बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो एट द लास्ट जो एज लाइक के मतलब जैसे जो किसान होते हैं जो अनाज उगाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम है, तो सेम प्रोसेस मतलब सेम फंडा आपको इधर भी लगता है कि मतलब वो इतना हार्ड लेबर करते हैं
सारा कपड़ा लाते हैं, मार्केट बनाते हैं, मार्केट से ऑर्डर लाते हैं, अंदर लास्ट में जो आपको जो जो प्रॉफिट है वो बिचौलिया लोग जो दलाल लोग हैं वो लोग धागा और वो यान जो है उसका दाम बढ़ा के वो सारा दाम खा जाते हैं। मैं और मैं उनसे पूछता हूँ और बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि ये सही से प्राइस नहीं मिलने के कारण हम लोग लेबर को सही पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से सब लेबर यहाँ से प्लान कर गए बाहर, और लेबर का भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सही से उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से सब चला जाता है, नहीं चलाना चाहता है पावर लूम, जिसके वजह से जैसे मेरे पास अगर 50 लूम है तो 30 चल रहा है, 20 बंद रहता है, ये इसके वजह से है, कारीगर के वजह से। तो जैसे कि ये मतलब बता रहे हैं जैसे कि आपको जैसे इनका जितना भी पावर लूम है मैंने फैक्ट्री है तो इसको आपको लेबर का भी इश्यू आता है क्योंकि पेमेंट टाइम नहीं नहीं मिलता है। मतलब सपोज़ कीजिए उन्होंने आप कॉन्ट्रैक्ट किया एक महीने के क्रेडिट में, अब नॉर्मली क्रेडिट तो चलता ही है और गवर्नमेंट तो अब ऑनलाइन पेमेंट है, लेकिन फैब्रिक में आपको क्रेडिट ज़्यादा ही चलता है। तो जैसे वन मंथ का क्रेडिट है तो वन मंथ के क्रेडिट में आपको क्या होता है कि वो यदि टाइम में पैसा नहीं मिलता तो वो भी तो लेबर को पेमेंट करना पड़ता है, उन लोगों को भी पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पेमेंट सब जो टाइम में नहीं कर पाते हैं जिनके कारण क्या होता है कि जो ये सारा ये फैब्रिक बनता है तो लेबर को आप टाइम में पैसा नहीं दीजिएगा तो वो खाएगा क्या, मतलब तो खाएगा नहीं तो उनको तो पेट चलाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट मतलब अभी जो सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा वर्कर जो है जो लेबर जो स्किल वर्कर है आप कह सकते हैं स्किल वर्कर है वो लोग इधर से आपको माइग्रेट कर चुके हैं बहुत ज़्यादा और टाइम भी नहीं मिलता, जो भी है तो वो किसी दूसरे काम में आपको बिजी हो गए हैं। तो लेबर का भी शॉर्टेज है, फाइनेंशियल का भी प्रॉब्लम है, ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि लेबर का भी शॉर्टेज है और आपको फाइनेंशियल क्रंच है ही है, मतलब सभी मार्केट में ही होता है। तो लेबर भी इधर से आपको माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो स्किल है तो यदि ऑन टाइम में उसे पेमेंट नहीं मिलता, जो ऑर्डर आता है वो टाइम में डिलीवरी नहीं हो पाता या ऑर्डर टाइम में नहीं आ पाता है तो वो किसी दूसरी जॉब में लग जाते हैं, पेट तो चलाना होगा। तो इसी कारण आपको लेबर का भी अभी आए हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये हाजी भाई है, तो ये अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हाजी मुअज्जम चंपा नगर भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। हम लोग फैब्रिक लाइन से हैं, आज 2 साल से हम लोग परेशान हैं। 2 साल तक ये लॉकडाउन की वजह से ऐसी हालात आई, हमारे लोग का कारोबार वगैरह पूरा लूम वगैरह सारा पावर लूम बंद हो गया। अब यहाँ पर से स्टार्ट हुई 2-3 महीने से स्टार्ट हुई कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद ओमिक्रोन का ख़तरा आने लगा। अब हम लोग का ये भी पार्टी कहते हैं कि और कॉस्ट कम करो और कॉस्ट कम करो। विविंग चार्ज पहले जो हम लोग लेते थे 30-35 रुपये जो भी आते थे, अब कहते 20-25 रुपये में काम कीजिए, जिससे हम लोग को ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जिससे हम लोग को बहुत स्थिति ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग को है ना पावर लूम बंद करना पड़ेगा। अब बंद करेंगे यहाँ इतना है कि अभी हम लोग जो एरिया जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम चंपा नगर है और इस चंपा नगर में 500-600 लूम है जिसमें कि 200-300 लूम बंद हुए, क्या करेंगे लोग, हालात स्थिति में बहुत परेशान है लोग। इसलिए हमसे आप लोग से भी आग्रह है कि डायरेक्ट हम लोग से कुछ बात कीजिए, हम लोग की कुछ समस्या को हल कीजिए और कारोबार की स्थिति ऐसी हो कि कारोबार थोड़ा चले। फैब्रिक लाइन से भी हम लोग बनाते हैं फिर बंद हो जाता है, बनाते हैं फिर बंद हो जाती है। तो मतलब ये गवर्नमेंट का कोई स्कीम आप लोग के लिए दिया गया है कि नहीं दिया गया? गवर्नमेंट से सर तो अभी कोई स्कीम नहीं, बस बोलता है ये बना देंगे ये कर देंगे, मगर अभी तक तो कुछ ऐसी स्कीम नहीं आई है हम लोग के सामने में। हैंडलूम और सिल्क से रिलेटेड तो बहुत सारा लॉन्च किया है, तो आप लोग को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? हम लोग को तो सर अभी ऐसी कोई बेनिफिट तो नहीं मिली है सर, कोई बेनिफिट नहीं है इसका कि कोई भी सरकार आए खाली आश्वासन देती है बस चली जाती है फिर लौट के वो नहीं आती है। हम लोग यही आश्रय में रहते हैं कि बस इस बार सही हो जाएगा, लेकिन बस आश्रय में ही रह जाते हैं और हालात बस से बेहतर होते जा रहा है कि सैकड़ों लूम बंद हो चुका है। जब थोड़ा बहुत पूंजीपति है जो अपना उसका बजट के हिसाब से वो अपना पावर लूम चला रहा है, लेकिन उसका स्थिति भी ऐसा है कि अगर साल में जो है 12 महीने के 3 महीना चलता है और 9 महीना उसका बंद रहता है पावर, इस स्थिति में आप सोचिए कैसे उसका लूम चलेगा। अब उसका आप समझिए कि
ये तो अभी आ गया कोरोना, कोरोना के वजह से तो पूरा मंदी है फैब्रिक, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो ऑर्डर आया था अभी दो महीना पहले ऑर्डर आया, दो महीना आने के बाद ऑर्डर माल जब हम पूरे पावर लूम पर डाल दिए, डालने के बाद अभी चार दिन पाँच दिन के बाद ये बोल रहा पार्टी कि अब ब्रेक करो, थोड़ा स्लो करो। अब तो ऐसे हम बैठे हुए थे, अब थोड़ा बहुत ऑर्डर आया, सारा अरेंज किए, हर चीज़ को सिस्टम मैंने मैनेज किए। अब जहाँ पर हमको लेबर को 500 रुपया देना था वहाँ पर 1000 दे के खड़ा किए, एडवांस ले लेके लेबर खड़ा हुआ है। अब ऐलान कर रहा है कि ये स्थिति कि अब जो है स्लो कर दो, अब क्या होगा, हम लोग का पैसा तो डूब जाएगा, कोई लेबर वापस देने वाला नहीं है, उसको काम चाहिए, नहीं देंगे काम वो पैसा लेके चली जाएगी। तो ऐसे सैकड़ों पैसा हम लोग का चलाया। बेसिकली आपको जैसे उन्होंने बताया जो इशू है आपको, मतलब मेजर पेमेंट जो आपका जो सिल्क का जो मतलब भागलपुर में जो आपका सिल्क है तो उसका मतलब प्रॉब्लम उन्होंने सारा प्रॉब्लम बताया, मतलब एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सेकेंड लेबर का प्रॉब्लम है, द मेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कह सकते हो आपको जो ऑर्डर आता है वो टाइम में नहीं आता, और ऑर्डर आ भी गया तो उसमें पेमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है, एक महीने का क्रेडिट है, दो महीने का क्रेडिट है, वो क्रेडिट टाइम में नहीं मिलता है, तो समटाइम वो मतलब जो भी ऑर्डर आता है वो आपको सडनली बोलता है इतने दिन में रेडी करो, तो लेबर नहीं होता तो वो लोग डबल कॉस्ट करते हैं। जैसे सपोज़ कि लेबर को 500 रुपया देना है तो 1000 रुपया दे के चलो जल्दी से ये काम करके, लेकिन जब काम रेडी हो जाता है तो जो भी जहाँ से भी जो भी कंपनी ऑर्डर देते हैं तो बोलते हैं कि अभी भाई दो महीने के बाद पेमेंट देंगे, तीन महीने के बाद देंगे, और कोरोना के कारण तो सिचुएशन और भी वर्स हो गया है। तो बहुत सारा फेमस तो जो भागलपुर का सिल्क फैक्ट्री है जो हैंडलूम है वो सारा बंद हो गया है, और बहुत सारा बंद होने के कगार में है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं है, मतलब यही है कि आपको मतलब कोई स्कीम होना चाहिए, मतलब सपोर्टिव स्कीम होना चाहिए जिससे कि जो जो हैंडलूम है जो सिल्क है जो स्किल मतलब जो मतलब ये जो जाना जाता है तो जो हमारे जो बहुत बाप दादा दादा पर दादा बाप बापों लोग से जो चला आ रहा है तो वो ट्रेडिशनल को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं इसके बाद मैं आपको किस तरह से बनता है मैं आपको फैक्ट्री और ये सब में वन बाई वन दिखाता हूँ। ध्यान दे और दे के बुनकरों को जिंदा रखे, क्योंकि ये बुनकर पूरे दुनिया में भागलपुरी सिल्क से मशहूर है और यही बरकरार रहे, बस यही सरकार से हम आग्रह चाहते हैं कि इसको आगे रखे, जिंदा रखे। हमारे बड़े बोले थे कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी तो है खा रहे हैं सब लोग का अनाज बिक रहा है, हमारा कपड़ा का तो स्थिति ऐसी चौपट हो गई है जो अब हम लोग खुद रोने पर आ गए। तो उन्होंने आपका सारा जो भी मतलब समस्या प्रॉब्लम डिफिकल्टी है क्या क्या मतलब डे टू डे क्या फेस कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, धागे, मटेरियल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लाइन में क्या क्या इशू आता है, प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट में जाने से उसका सेल्स और मतलब ट्रांजैक्शन जो होता है उन्होंने सारा मतलब आपको मैंने डिटेल में बताया। तो इसके बाद मैं आपको किस तरह से ये प्रोडक्शन होता है ये सारा प्रोडक्शन में आपको प्रोसेस भी दिखाते हैं। आप अपना नाम बताओ। आसिया। आसिया सिर्फ आसिया नाम है। हाँ। पूरा नाम बताओ। हाँ? पूरा नाम बताओ। आसिया। आसिया बेटी है। पापा का नाम बताओ। चलिए मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ। मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिखाया, अब मैं आपको फैक्ट्री दिखा रहा हूँ। चलिए हाजी भाई है, आपको फैक्ट्री दिखाएंगे, क्या क्या होता है और कैसे होता है सारा बताएंगे। मैं फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ। इसे हैंडलूम बोला जाता है, लोकल भाषा में इसे हैंडलूम बोलते हैं और हाजी साहब भी इसे हैंडलूम ही बोलते हैं जो इसके ऑनर है। ये आप देख सकते हैं ये धागा है, और इस धागे के इस द्वारा ये सूता धागा जो आप बोल सकते हैं इसके द्वारा ही आपको ये कपड़ा तैयार होता है। मैं आपको ए वन में वन सारा ये हमें हाथ से जो दिखा रहा हूँ ये सारा ये धागा है ये, और ये धागा से ही ये कपड़ा बनता है। तो मैं आपको वन ऊपर देख सकते हैं ये धागा रखा हुआ, इसी धागा को लगाया जाता है और
एक एक करके धागा लगाया जाता है, सेक किया जाता है। ये है मतलब पावर हैंडलूम है। पहले तो आपको नॉर्मल हैंडलूम आता था जो हाथ और पैर से चलता था, अब ये तो इलेक्ट्रिक से चलती है, इसे पावर हैंडलूम बोला जाता है। देखिए कितना बारीकी से धागा लगाया गया है। तो मैं आपको अदर पार्ट भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारा ये चल रहा है। और कपड़ा कैसे बनता है ये आप देखो, सादा सादा जो है वो कपड़ा रेडी हो रहा है, और उसके दो साइड में आपको एक मेटल का लगा हुआ जो होल्डिंग करता है, मतलब इधर आगे वो टच होता है, तो उसके बाद एक एक धागा करके वो तो आपका कपड़ा तैयार होता है। तो मैं आज आपको आगे भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो आपको कपड़ा है, मतलब वो धागे से कपड़ा तैयार हो चुका है। और मैं आपको आगे देखिए ये धागा, ये सारा सीख किया है, ये पैटर्न बनाया जाता है, ये धागा का पैटर्न है। ये जैसे मैंने इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, मैं अपने फिंगर से दिखा रहा हूँ, एक वन धागा दो धागा, जो ऊपर से धागा है वो पैटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा पैटर्न करना उसी के अनुसार ये धागा सेट किया जाता है, जो सूता हम लोग बोल सकते हैं उसे सेट किया जाता है। और सेट करने के बाद इसे स्टार्ट किया जाता है और मॉनिटरिंग भी किया जाता है। कैसे मॉनिटरिंग होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो हाथ चला रहा है, तो वो चेक कर रहा है कि ये धागा परफेक्ट है कि नहीं, पता किस तरह से बन रहा है, कोई एरर तो नहीं है, कोई मतलब फॉल्ट तो नहीं आया है ये कपड़े बनने में, या कोई धागा टूट तो नहीं गया है। तो वो लोग सारा चेक करता रहता है एकदम नॉर्मल। तो चलिए आगे मैं और दिखाता हूँ। ये आप देखिए जो वाइट कलर का जो मैं हाथ से पकड़ा हुआ दिखा रहा हूँ, ये कपड़ा है, ये मतलब फिनिश कपड़ा, मतलब ये रेडी हो गया है। तो ये सारा जो आपको रेशम का धागा, और रेशम के धागा से ये आपको कपड़ा बन रहा है, मतलब इसमें पैटर्न कोई साड़ी बनता है या कुछ बनता है, तो जो पैटर्न उसमें डाला जाता है उसके अनुसार ये रेडी होता है। तो चलिए जैसे ये हाजी साहब है, वो बुनकर, खुद एक बुनकर है और इसके ऑनर भी, वो हमको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बनता है। वो एक्सपर्ट हैं इसमें, क्योंकि उनका खुद का ये लूम है, उनके पास बहुत सारा लूम है, तो वो करके दिखा रहे हैं किस तरह से मैनेज किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। देखिए वो ऐसे चलाते भी रहते हैं और चेक करते भी रहते हैं, कोई धागा ऊपर तो नहीं आ गया, कोई नीचे तो नहीं आ गया, तो सारा वन ओवन वो चेक करते रहते हैं किस तरह से ये बनता है। वो सारा वन ओवन हाजी साहब जो है आपको, और ये जो ग्रीन कलर का है इधर आके टच होता है, और वो ग्रीन वाला वो बढ़ता जाता है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है। और इस तरह से कपड़ा रंग रेडी होता है। जो अब चलिए मैं आपको उसका सेकेंड पार्ट दिखाता हूँ, मैंने आगे का दिखाया और मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। तो पीछे भी ये धागा लगा हुआ है, मेन आपको पीछे धागा लगा रहता है, और धागा से ये सारा रेशम का धागा है, ये सारा रेशम का धागा, और पैटर्न के अनुसार सेट किया जाता है। देखो जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, उंगली से दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और ऊपर पर से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा एक एक धागा अलग से लगा हुआ है, तो शायद वो पैटर्न के लिए यूज करते हैं। और उसके आगे जो बंदे आप देख सकते हैं, जो वो देखिए वो चला रहे हैं, मतलब मैं मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये धागा, इस तरह से धागा लगाया जाता है, और जो छोटा वाला भी धागा लगाया जाता है जो मैंने आपने दिखाया, ये देखिए ये बंदे चला रहे हैं, एक हाथ से चला रहे हैं, और वो एक वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कपड़ा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये स्किल वर्कर है, मतलब इसे ही बुनकर बोला जाता है, उन लोग ये काम में वो एक्सपर्ट होते हैं। नॉर्मल आदमी ये नहीं चलाता है, क्योंकि उसे कपड़े का भी नॉलेज होना चाहिए, धागे का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए इधर एक और बंदे चला रहे हैं, तो वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और धागा ऊपर से लगाया जाता है। ये देखिए ये धागा है, ये धागा को ही लगाया जाता है, और बड़ा धागा जो आपको मैंने अभी दिखाया वो पीछे लगा हुआ है। तो ये धागा शायद पैटर्न के लिए यूज करते हैं, ये सारा रेशम का धागा है। और ये जो वाइट कलर का है, जो एक हाथ से वो चला रहे हैं और एक हाथ से वो कपड़े मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो मतलब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ फॉल्ट तो नहीं है, एरर तो नहीं है। और जो आगे जो आप देख रहे हैं इधर के जैकेट, वो बबलू भैया है, मेरे भैया है, और उनके बगल में जो है अहमद हुसैन साहब हैं, ये इनके ऑनर हैं, ये हैंडलूम के ऑनर हैं। वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से ये बनता है, क्या प्रोसेस है, सारा धागा वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। आप देख सकते हो उसने सारा बताया। हाजी साहब का बहुत सारा फंगा फैक्ट्री है, तो नेक्स्ट फैक्ट्री में हम लोग विजिट कर रहे हैं, हैंडलूम बोली या फैक्ट्री बोली, उधर धागा किस तरह से तैयार होता है, धागा को किस तरह से रंग किया जाता है, और सूता कैसे तैयार होता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है, साड़ी कैसे बनता है, तो मैं सारा मैं प्रोसेस आपको नेक्स्ट दिन दिखाऊँगा।
ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो फैक्ट्री का रिमेनिंग पार्ट में दिखाऊंगा।